हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल टैक्सेस माई सेल्फ सी एम मनोज गुप्ता की हमारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीबीडीटी के द्वारा इशू किया जा रहा है कि 1 मार्च 2019 के बाद आपके इनकम टैक्स रिफंड तभी प्रोसेस किए जाएंगे जब आपका बैंक अकाउंट पैन नंबर के साथ लिंक होगा लिंक योर पैन विद योर बैंक अकाउंट एट योर रिफंड डायरेक्टली स्विफ्टली एंड क्योरली इन योर बैंक अकाउंट income tax department will issue only e refunds from 1st of march 2019 funds will be given only to bank accounts which are linked with pan yahan par saaf saaf kaha ja raha hai ki 1 march 2019 ke baad jo sabhi refunds hain vah e refunds process kiye jayenge that means ab aapko koi bhi चेक से कोई भी refund नहीं मिलने वाला है जितने भी refunds हैं, वह electronically process किए जाएंगे जो रिफंड क्रेडिट होगा वह उसी अकाउंट में क्रेडिट होगा जो आपका पैन के साथ लिंक होगा इसके लिए आप कोई भी सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट या फिर ओडी अकाउंट दे सकते हैं अगर आपने अपना पैन अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं किया है कर लीजिए इसके लिए आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग डॉट जी ओ वी डॉट इन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग में प्री वेलिडेट यूर बैंक अकाउंट ऑप्शन को चूज करना होगा इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है उसके बाद आईएफएससी कोड बैंक नेम ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड रहेगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है और उसके बाद जैसे ही आप प्री वैलिडेट करते हैं यहाँ पर आपकी प्री वैलिडेट बैंक डिटेल्स आपके सामने आ जाती है अकाउंट तो नंबर आई कोड बैंक नेम मोबाइल नंबर ई मेल और साथ ही स्टेटस पर आपको ध्यान रखना है आपका जो स्टेटस होना चाहिए वो वैलिडेटेड एंड ईवीसी इनेबल्ड होना चाहिए आपने सिर्फ वैलिडेट किया है ईवीसी इनेबल्ड नहीं किया है तो भी ऐसे में आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा तो यहां पर वैलिडेट करने के बाद आपको ईवीसी भी इनेबल करना है इस तरह आप अपने पैन को अपने बैंक के साथ लिंक कर सकते हैं और अपना जो रिफंड है वह इलेक्ट्रॉनिकली अपने अकाउंट में प्राप्त कर सकते हैं तो आई होप फ्रेंड्स मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी देखते रहिए लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को और ढेर सारी ऐसे जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स के लिए